नमस्कार दोस्तों, समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्य में शुक्राणु को कैसे बढ़ाया जाए और शुक्राणु के गुणवत्ता को कैसे वृद्धि किया जाए। तो दोस्तों, सुंदर से सुंदर सजी शादी की लाइफ उस समय बदरंग बन जाती है जब किसी पुरुष की जिंदगी में आता है वो समय जिसकी सभी को अभिलाषा होती है। घर का हर सदस्य अपने आने वाले मेहमान का बेसब्री से इंतजार करता रहता है, पर यह इंतजार बढ़ते बढ़ते जब सालों में बदल जाए तो दोनों के बीच एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। ज्यादातर बच्चे के ना होने का कारण महिलाओं को ही ठहराया जाता है, लेकिन इसमें पुरुष भी कम नहीं है। जब पुरुष में शुक्राणु के बनने के लक्षण कम होते हैं तो उसमें नपुंसकता बढ़ने लगती है, जिससे बच्चे के पैदा होने में दुविधा खड़ी हो जाती है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ या हेल्दी पुरुष में 15 मिलियन शुक्राणु की कोशिकाओं का होना काफी आवश्यक होता है, जिसमें स्वस्थ शुक्राणु के इन लक्षणों के अलावा रूप, संरचना और गतिशीलता का होना बहुत जरूरी माना जाता है, और इसकी कमी ही अनहेल्दी शुक्राणुओं के लक्षण का होना पाया गया है। यदि आप थोड़ी सी सतर्कता बरते तो आप अपने जीवन शैली में कुछ सुधार लाकर शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या परहेज और क्या क्या लाइफस्टाइल में ऐड करना है जिससे शुक्राणु अपने आप बढ़े और इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। सही खाना खाएं। आज के समय का बदलता खान पान हमारे स्वास्थ्य को खत्म करने के साथ साथ कई बीमारियों को साथ ला रहा है, क्योंकि हमारे रोज के आहार में पौष्टिक तत्वों की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, जो पुरुषों में नपुंसकता का कारण बनती जा रही है, जिससे हर लोगों में नपुंसकता और शारीरिक कमजोरी की समस्या ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रही है। आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने आहार में स्वास्थ्यवर्धक और हेल्दी खाना खाने का सबसे ज्यादा उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फाइबर जैसी चीजों को अपने आहार में शामिल कर नई शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। व्यायाम। वैसे तो मर्दों में शुक्राणुओं की संख्या में कमी बढ़ती उम्र के दौरान कम होने लगती है, लेकिन जब आप युवावस्था के समय ही इन समस्या में जकड़े हैं तो आपका घर बिखराव की कगार पर आ जाता है, क्योंकि पत्नी भी संभोग के दौरान नाखुश रहती है और साथ ही बच्चे के जन्म लेने में भी परेशानी बनी रहती है, और काफी हद तक शरीर में कमजोरी होने के कारण सेक्स आपके जीवन को प्रभावित करता है। इससे प्रजनन क्षमता के स्तर में कमी, कामेच्छा की कमी, शारीरिक कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं से लड़ने का एक ही उपाय है और वो है नियमित रूप से व्यायाम, जो आपके शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ आपके शुक्राणुओं को बढ़ाने में विशेष भूमिका अदा करता है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे उपाय की ओर। कम मात्रा में शराब पिएं। काफी शोधों के अनुसार पाया गया है कि एक से अधिक बार शराब पीने से मर्दों में शुक्राणुओं की क्षमता में कमी होने के साथ सेक्स इच्छा में भी कमी आ जाती है। साथ ही पुरुषों के सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को खत्म करने लगता है, इसलिए सेक्स जीवन का स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए शराब का सेवन जो है बिल्कुल ना करें, और बहुत ही कम मात्रा में करें और बहुत ही कम करें। धूम्रपान का सेवन कम करें। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ शुक्राणुओं को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही धूम्रपान का सेवन बंद कर देना चाहिए। एक पैक सिगरेट पीने से वीर्य में कैडमियम का स्तर बढ़ाकर शुक्राणुओं की संख्या को कम करने लगता है, क्योंकि कैडमियम डीएनए को क्षति पहुंचाता है जिससे शुक्राणुओं की क्षमता में संख्या में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल ना करें। मनोरंजन की दवाइयों को ना कहें। सेक्स के दौरान अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए आप कई प्रकार की दवाइयों का सहारा लेते हैं, जो बाद में आपकी सेक्स क्रिया को प्रभावित करने लगता है, जिससे पुरुष के लिंग में रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो पाता है और शुक्राणुओं के उत्पादन का स्तर गिरने से शुक्राणुओं की संख्या में कमी आने लगती है। इसलिए आप थोड़े से मनोरंजन के लिए दवाओं को जो है सेवन करने से बचें। तनाव को जीवन से दूर करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना काफी जरूरी होता है दोस्तों।
यदि आप हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे तो आपकी पूरी शरीर इसके गिरफ्त में आएगा, जिससे शरीर के सारे अंगों की गतिविधियां में परिवर्तन होने के साथ आपके सेक्स जीवन में भी इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तनाव के समय शरीर का रक्त संचार काफी तीव्र गति से काम करता है और यही रक्त में उच्च स्तर के होने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं और शुक्राणुओं की संख्या घटने लगती है, जो आपके विवाहित जीवन को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, तनाव से हमेशा दूर रहें। अब आते हैं थोड़ा खान पान की तरफ। क्या खाने से आपको शुक्राणु बढ़ सकते हैं, शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या बढ़ सकती है? तो दोस्तों, इस विषय में वैज्ञानिकों ने 20 से 30 वर्ष की उम्र सीमा के युवकों में एक समूह को 3 महीने के लिए रोज 75 ग्राम अखरोट खाने को कहा। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अखरोट नहीं खाने वाले पुरुषों की तुलना में अखरोट खाने वाले पुरुषों की शुक्राणुओं की संख्या में काफी वृद्धि और बढ़ोतरी हुई है और उसकी पिता बनने की संभावना भी बेहतर हुई है। तो दोस्तों, अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और दोस्तों, एक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 18 से 50 वर्ष की उम्र के पुरुष 10% कम शुक्राणु बनने से पीड़ित हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कई घरेलू उपचार उपलब्ध है, जिसमें दूध बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध है। निश्चित रूप से शहद के साथ दूध पीने से कम लो स्पर्म काउंट यानी कम जो शुक्राणु शरीर में है, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। विटामिन ए पुरुष सेक्स हार्मोन के उत्पादन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं को फ्री रेडिक्स की क्षति से बचाने का कार्य करते हैं। साथ ही यह वीर्य उत्पादक नलिकाओं के रख रखाव के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूध में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, इसलिए पुरुषों को दूध जरूर पीना चाहिए। तो दोस्तों, जो उपाय और परहेज मैंने आज आप लोगों को बताया, ये जरूर करें और इससे आपकी शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी और आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये समस्या है, कृपया आप लोग उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।